और नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली उपलब्ध करा दिया, तो और अपने घर का सर्वे रिपोर्ट जारी करिए कि भाई जिस घर में हम रह रहे थे उस घर में हम कहे कि बिजली कटवा लीजिए, आप लोग लालटेन लगवा लीजिए, तो उस घर के लोग ही उन नेताजी का इलाज करते। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी, सड़क, ये सारी उपलब्धियां हमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार में दो जगह उपचुनाव होने को हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी है। जेडीयू भी लगातार तैयारी में लग चुकी है। तमाम जो नेता है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। किस तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयारियाँ हैं? देखिए, विधानसभा उपचुनाव अथवा चुनाव राजनीतिक दल के लिए धर्म का विषय होता है, तो तमाम दल के राजनीतिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम लोग भी तारापुर से लौट करके आए हैं, तो स्वाभाविक है पुनः जाएंगे। एनडीए के वरीयतम नेता सभाओं को संबोधित भी करेंगे, इसका भी विधिवत कार्यक्रम तय हो रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस एक दूसरे का राजनीतिक इलाज भी कर रहे हैं, इसका भी क्षेत्र में चर्चा है। एक दूसरा का कौन कंपाउंडर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, ये भी तय होना है इसी चुनाव से। तो हम तो उम्मीद यह करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो जिम्मेवारी लगाई है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दल के विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रत्याशियों को निर्देशित किया है कि आप पंचायतवार इस कार्यक्रम को करिए, तो हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने तमाम नेताओं को ये निर्देश दे कि गांव में प्रवास करें, और खुद तेजस्वी यादव मौका मिला है, उनको भी रहने का चुनाव है, वह भी अपने दल के कार्यकर्ता के गांव में रहें। किसी गांव में लालटेन मिलेगा नहीं, तो ये निर्देशित करें कि लालटेन के जो पक्षधर हो अपने घर में बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलिएगा, और नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली उपलब्ध करा दिया, तो और अपने घर का सर्वे रिपोर्ट जारी करिए कि भाई जिस घर में हम रह रहे थे उस घर में हम कहे कि बिजली कटवा लीजिए, आप लोग लालटेन लगवा लीजिए, तो उस घर के लोग ही उन नेताजी का इलाज कर देंगे, क्योंकि सबको बिजली की ज़रूरत है। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी, सड़क, ये सारी उपलब्धियां हमारी है। तो आप जाकर बताइएगा ना राष्ट्रीय जनता दल के नेता बताएंगे कि नीतीश जी के राज के पहले तो ये सड़क अच्छा नहीं था, हम लोग बनवा दिए, अब हमको मौका दीजिएगा तो हम सोना का स्लैब लगवा देंगे उसमें। वो लोग कहेंगे कि हम लोग अपने कार्यकाल में देखिए हम चरवाहा विद्यालय बनवाए थे वहाँ, अब नीतीश कुमार जी ने बनवा दिया वहाँ नवोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक, एएनएम संस्थान, तो बोलेंगे कि नहीं ठीक नहीं था वो चरवाहा विद्यालय अच्छा था। यह भी बताएंगे लोगों को कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे समाज के सारे तबकों को हमने दिया है, इसकी जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी जानकारी यही देना है कि किसी को गाँव में हनुमान चालीसा, बगला मुखी, पुराने शरीफ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, सब स्वतंत्र तरीके से आता जाता है, लोग अमन चैन का एहसास भी है। तीन के नेता को भी हम निर्देशित करेंगे, अनुरोध करेंगे कि तेजस्वी यादव खुद भी रहिए और आपके दल के नेताओं को भी गांव में प्रवास कराइए, तब आपको एहसास होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है सुदूरवर्ती इलाके में भी। उपचुनाव को लेके जेडीयू का परफॉर्मेंस खासा ठीक नहीं रहता है, तो क्या लगता है कि इस बार जो कंपटीशन है वो टफ होगा? देखिए, अब परफॉर्मेंस को आधार नहीं बनाया जाता है, हम लोग यात्रा कहाँ शुरू किए हैं? 1995 में मेरे 7 विधायक जीते थे और 4 विधायक ही रहे थे, 3 चले गए थे, राजपाट प्राप्त किए न, राजपाट मिला ना बिहार को, अब बिना हमारे हाल में हल्दी लगता है किसी का? इसलिए चुनाव का परिणाम तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे पास तो मुद्दे हैं, उन उपलब्धियों के बुनियाद पर हम जाएंगे जनता की अदालत में, और कोई नकारात्मक मुद्दे पर जाएगा तो बताएगा ना, हम तो बताएंगे लोगों को ना कि रोजगार के हम सब आंकड़ा ठीक कर लिए हैं कि रोजगार जिनको मिला उनको किसी का जमीन उमीन हम लोग नहीं लिखवाए, कोई नहीं कह सकता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में किसी को दलाली देना पड़ा हो, तो सब कुछ हम लोग के पास, उनके पास क्या मुद्दा है? उनके पास यही मुद्दा है ना कि अपराधी, गुंडा और लंपटों का राज इस बिहार के अंदर फिर स्थापित हो जाए, फिर तारापुर में, संग्रामपुर में, असरगंज में जो व्यवसायिक समूह के लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो भयभीत रहें, वो घर, वो शाम के 4 बजे ही दुकान बंद कर लें, जाइए आज 9 बजे रात तक दुकान, 10 बजे तक खोल करके लोग अमन चैन से रहता है। लालू प्रसाद यादव आते हैं तो कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि अगर आते हैं तो चुनावी सभा संबोधित? अच्छा, पहले आए हैं तो कने बड़का तीर चला दी ने, अरे बेचारे अब
उम्र हो गया, अब उनका कितना इस्तेमाल करेगा भाई। अरे उनका संपत्ति का इस्तेमाल कर ही रहा है, उन पर जो कानूनी मुकदमा था वो भी ले लिया अपने देह पर, तब कितना इस्तेमाल करिएगा आप। कम से कम जब न्यायपालिका ने ही उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया, तब वहाँ दंडवत क्या करे, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। मैंने पिताजी के कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा है कि एम्स के डॉक्टरों के इलाज में के नियंत्रण में इलाज उनका हो रहा है, तब माँ पर भरोसा नहीं है, उनके सलाह पर भरोसा नहीं है। अब उनका इस्तेमाल उन्हीं के परिवार के लोग कह रहे हैं, हम नहीं जानते। और उससे भी बड़ी बात हो गई, उनके दल के एक विधायक ने कह दिया कि हमारे पिताजी का पार्टी है, अब बेचारा कोई बोलिए नहीं, सबका जुबाने खामोश हो गया है। समझ में आ गया ना कि पारिवारिक लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं दोनों जगह वो अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दिए हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है। क्या लगता है चिराग पासवान ने जिस तरीके से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो लोग बोल रहे हैं कि हम हार रहे हैं दोनों सीट, हम जीत के ये दिखाएंगे? नहीं देती, यही तो घोषणा करना चाहिए उनको, चूंकि चिराग पासवान जी आप अपनी पार्टी में अकेले सांसद हैं, आपके नाम केवलम है पार्टी, आपका संसदीय क्षेत्र में तारापुर है, तो तारापुर में जो लोकसभा चुनाव में जो आपको बढ़त हासिल हुआ था, उतना वोट अगर नहीं मिलेगा तो पार्लियामेंट में रहिएगा कि नहीं? नैतिक बल की राजनीति करते हैं, आप ही के क्षेत्र का मामला है। चूंकि विगत विधानसभा चुनाव में मुझे स्मरण नहीं है जितने राजनीतिक दल उम्मीदवार दिया, चाहे वो जमुई हो, चकाई हो या दूसरे क्षेत्रों में, हमारी समझ है कि राजनीतिक दल में नीचे से ही फर्स्ट किए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, तो इस बार निर्दलीय से भी नीचे रहिएगा या टॉप गियर पर जाइएगा यह बताइए लोगों को। जेडीयू कितना आश्वस्त है इस? नहीं, हम अपनी उपलब्धियों पर और हमारे उम्मीदवार के व्यक्तित्व पर हम ये समझते हैं कि हम चुनाव एनडीए गठबंधन हमारा है, हमारे विभिन्न पांचों दल के हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं हम चुनाव में, और समाज के सारे तबकों के लिए हमने काम किया है, कहीं हमको तनाव नहीं झेलना पड़ता है। सबको दिल से स्वीकार करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तारापुर विधानसभा कुशेश्वर स्थान की तस्वीर बदली है, तो लोगों को भरोसा है, इसलिए हमारी उम्मीद कायम है। तो ये थे नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। देखने वाली बात है कि उपचुनाव में क्या परिणाम आते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।